ये जो टर्बो वाली आवाज आ रही है अंदाजा नहीं था भाई, अनएक्सपेक्टेड भाई, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा ये तो। इतना फर्क पकड़ू ना मैं पकड़ू जाती जा रही है पकड़ू पकड़ ली भाई पकड़ू मेरे को जानता नहीं है ये हनुमानगढ़ है लाला। बट भाई एक्सयूवी की दाद देनी पड़ेगी, 2.5 लाख चलने के 2.36 चलने के बाद भी टक्कर दे रही है जी। स्कॉर्पियो एक और लेना है? नहीं नहीं भाई एक और नहीं। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज अपनी एक्सयूवी की एक और रेस लाया हूं, और रेस करनी भी जरूरी थी। किसके साथ लाया हूं वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं वेट करा होगा, और आज हमारे साथ है भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11। किसकी है देख सकते हो आप, तो ये S11 है ना, ये स्टॉक गाड़ी नहीं है। इसमें क्या क्या छेड़खानी हो रखी है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और सीधा ओनर से मिलवाऊंगा। आप लोग पहचान चुके होंगे, नंबर से भी पहचान चुके होंगे, साइड में जो लिखा है उससे भी पहचान चुके होंगे। तो अपनी XUV की पावर स्पेक्स की बात करूँ, ये 2200cc का M-Hawk जो निकालता है 140 bhp और 330 nm। स्टॉक गाड़ी है, कोई छेड़खानी नहीं हो रखी है इसमें, कभी कोई पार्ट वार्ट ऐसा मतलब एज सच गाड़ी की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो और जो स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो में क्या कुछ फर्क आ रखा है ये स्कॉर्पियो वाले भाई से खुद जान लेते हैं। तो रेहान भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। तो ये स्कॉर्पियो आपकी है, मेरे को स्टॉक तो बिल्कुल नहीं लग रही, छेड़खानी तो इसमें अच्छी खासी आपने करवा रखी है, और क्या क्या करवा रखा है ये बता दीजिए। परफॉर्मेंस फिल्टर लग रहा है KRN का, हाँ ठीक है, और इसमें स्ट्रेट पाइप डाला हुआ है भाई। स्ट्रेट पाइप भाई, डीजल गाड़ी चीज तो अलग करा रखी है, पूरा मजा, पूरा आवाज साउंड एक नंबर के। तो आपने इसमें टायर वायर डाले हुए हैं, ऑल्टरनेट वगैरह, साइज इंक्रीज है, इसमें 235 आता है 65R17, इसमें डाला हुआ है भाई 265 65R17 डाला हुआ है भाई। 35 की मतलब चौड़ाई आपने 30 mm बढ़ा रखी है। हाँ, वो 4x2 में जो आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो फिल्टर इसका बदलवा रखा है उसमें कितने bhp का इंक्रीज आ रखा है भाई? इंक्रीज जो फिल्टर के बॉक्स पे लिखा हुआ था और जहाँ लगवाया था करोल बाग से लगवाया था भाई, वो बताते कि 50% इंक्रीज होगा। अच्छा, यानी परफॉर्मेंस जो है। बाकी जहाँ से स्ट्रेट पाइप डलवाई करवाया था मैंने, उन्होंने बोला था कि 10-20% का इंक्रीज होगा पिकअप। पिकअप में बहुत फर्क आया था भाई, बाकी परफॉर्मेंस फिल्टर लगवाने के बाद और पिकअप एनहांस हुआ, इसकी साफटी टूट गई। मतलब भाई ICU से आया ये अपना महिंद्रा के सर्विस सेंटर से 1 lakh rupees गड्डी लेकर के। अरे मरीज पड़ जाते हैं ना 20-25 दिन के लिए ICU में, ऐसे ही पड़ा हुआ था भाई। जिंदा है पर शेर जिंदा है, जिंदा है। तो मतलब 140 bhp स्टॉक में निकालती थी, मतलब मेरी जो XUV ये भी 140 bhp 330 निकालती थी, सेम इंजन इसमें था। पर अब इसमें bhp मेरे ख्याल में कितनी हो सकती है अगर आपका आईडिया अप्रोक्सीमेटली मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने इसका कोई अभी ऐसा टेस्ट तो करवाया, डायनो नहीं करवाया वगैरह, कहीं ना कहीं मेरे को लगती है और फील भी होती है चलाने में कि 160 या 165 या ऐसे ऐसे के आसपास। हाँ हाँ, मतलब होगा क्योंकि आपने ट्यून तो नहीं करवा रखा। सोच रहा था ट्यून करवाने का, कोई फायदा नहीं भाई, साफ्ट यही नहीं झेल पाई, ट्यूनिंग नहीं कर पाएगी। तो स्कॉर्पियो भाई इतनी मॉडिफाई कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन स्कॉर्पियो में भाई दुनिया भर की देखी, लेकिन परफॉर्मेंस की मॉडिफिकेशन रेहान भाई के यहाँ ही मिलेगी। इसे कह सकते हैं मतलब ये है कि ऐसा कारनामा कम हो रखा है, ऐसा कारनामा कम हो रखा है भाई। स्कॉर्पियो में बहुत कम कराते हैं ये चीजें ना, कम रिस्क लेते हैं, कम रिस्क लेते हैं। बाकी पूरे इंडिया में मतलब एक अकेली है ये जिसमें मैंने स्ट्रेट पाइप और परफॉर्मेंस फिल्टर लगवा रखा है। ठीक है, और भाई मेरी XUV ये भी थोड़ी बुढ़ी हो रखी है बेचारी, बुढ़ी नहीं है पूरी बुढ़ी, इसकी मान के चलो बड़ा भाई मान के चलो। हाँ। तो भाई करते हैं ड्रैग रेस, और देखो स्कॉर्पियो ये S11 अगर स्टॉक होती तो भी कहीं ना कहीं XUV को पूरी टक्कर दे दी, क्योंकि इंजन सेम है, वजन हल्का है, पर इसका ये जो है ये थोड़ी बदलवा रखा है सिस्टम। तो देखते भाई, मेरे को लग रहा है अब की बार थोड़ी XUV पीछे रह जाएगी। करते हैं ड्रैग रेस, पता लगाते कौन सी गाड़ी कितने आगे निकलती है। तो चलो ये जो टर्बो वाली आवाज आ रही है तो ये फर्क भाई आ रखा है इस वाली स्कॉर्पियो में, अपनी तो खैर स्टॉक है बेचारी। और भाई चल कितनी रखी है आपकी स्कॉर्पियो भाई? ये 50-51 चल गई भाई यहाँ आते आते। अच्छा, आते आते हो गया 51,000 हो गए। तो पहले में AC ऑन रखते फिर दूसरे में AC ऑफ कर लेंगे, कैसा लगेगा? ठीक है ठीक है भाई।
भाई बैठ के अपनी एक्सयूवी में और दो राउंड करेंगे, ज्यादा कुछ सीट बेल्ट लगा लेते हैं भाई। और ESP मैं ऑफ कर लेता हूँ, AC में पहले राउंड में ऑन कर लेता हूँ। अब चलो इसमें भी तीन जने, तो दोनों गाड़ियों में तीन तीन जने हमने कर रखे हैं। लॉन्च नहीं लेना, लॉन्च हम व्हील स्पिन वाला नहीं लेंगे भाई, गाड़ियों का नुकसान ज्यादा हो जाता है उसमें, हमें थोड़ा बच के रहना है। भाई बराबर अभी तक, लेकिन अब एक्सयूवी निकली भाई। भाई ये क्या भाई फर्क पे रखे है, जो है थोड़ी एरोडायनामिक्स का फर्क पड़ता है, बॉक्स की जाती है भाई। तो पहले राउंड के जब इनर है भाई, आपकी क्लियरली एक्सयूवी 5 डोर, और भाई इसका अंदाजा नहीं था भाई, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है। तो मेरे फेस एक्सप्रेशन भाई मैं ही देख सकता हूँ, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था यार, बल्कि वो गाड़ी हल्के वजन में, बेशक उसका भाई उसमें पावर ज्यादा है, उसमें एग्जॉस्ट स्ट्रेट पाइप हो रखा है, उसमें गैन का फिल्टर लगा हुआ है, इसके फिल्टर फटे हुए हैं, डायलॉग चली हुई है भाई क्या बनाया था एक्सयूवी रे, पूछ लेते क्या पता। हाँ हो सकता है गियर शिफ्टिंग में फर्क रह गया हो, एक बार भाई से पूछ लेते क्या दिक्कत, ताकि भाई पहले राउंड की जैसे। और अब की बार जबकि लॉन्च मैंने मतलब लैग हो गया था मेरा, कि मतलब गाड़ी ने झटका ले लिया था भाई, थोड़ा रिस्क कम ले रहे हैं गियरबॉक्स के साथ में, समझ गया चीज क्या हो रही है। मैंने क्या बोला था भाई, ये क्या हुआ कुछ मतलब आपके गियर शिफ्टिंग में परेशानी हुई या भी दिक्कत नहीं, ऑल ओके एकदम ऑल ओके भाई, ये जो थोड़ा लॉन्च की थी ना, हां हां लॉन्च होना है तो भाई जीत जाएगी। हाँ लॉन्च का तो लॉन्च फिर मैंने भी नहीं लिया था, लॉन्च भाई मैं इस डर से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो ना भाई वो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, जो आपका नुकसान हुआ है वो सेम महिंद्रा एक ही चीज है, आपका जो नुकसान हुआ है सेम मेरे साथ हो रखी है, सब कुछ परफेक्ट था रहन भाई, अब सब कुछ परफेक्ट था, परफेक्ट एकदम। तो भाई ट्रेन ने निकलने तो यार भाई, पहले राउंड की विजेता अपनी एक्सयूवी रही और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भाई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मैं कह रहा हूँ ड्राइविंग का यार फर्क तो था ही नहीं, गाड़ी सेम, इसमें परफॉर्मेंस अपग्रेड हो रखी है उसके बावजूद भी क्या फर्क है मेरे को समझ नहीं आया। और दूसरा राउंड करेंगे, इसमें एसी ऑफ करूंगा, अब की बार एसी ऑन था, एसी ऑफ करूँ तो करते भाई दूसरा राउंड। और चलो भाई दूसरे राउंड में एसी कर रहे हैं हम ऑफ दोनों गाड़ियों का, दोनों गाड़ियों में तीन तीन जने, लॉन्च कुछ खास हम ले नहीं रहे, और करते हैं दूसरा राउंड भाई, करेंगे 3-2-1। मैं बताता हूँ फर्क किस में रहा होगा, या तो भाई से गियर का शिफ्ट ढंग से नहीं हुआ है, या फिर गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आई है। हाँ मैंने बता दिया था ना भाई, स्कॉर्पियो का वजन थोड़ा वो है, अब की बार गियर का फर्क हुआ इनिशियल में निकली थी है ना, भाई मैंने लॉन्च ढंग से करी थी इस बार, थोड़ा ज्यादा ढंग से, अगर ज्यादा ढंग से करूंगा फिर पकड़ भी नहीं पाएगी भाई, बिल्कुल पता है भाई वो तो, खैर मैंने भी लॉन्च नहीं लिया था, दो बैठे हैं एसी ऑफ कर लेते हैं, ड्राइवर भाई सेम रहेंगे ठीक है ना, क्योंकि भाई थोड़ा सा समझो आप भी है ना, कोई सुनिए तो एक बार गियर में स्विच हो गया,
हमने सेकंड राउंड करा, सेकंड राउंड में मैंने बता दिया था कि क्या हुआ था, अपना स्कॉर्पियो में रेहान भाई का गेयर मिसमैच हो गया था। और भाई फर्क है यार, वो अगर ढंग से लॉन्च ले अपना तो बहुत अच्छे से स्कॉर्पियो निकल जाएगी, फर्क भी नहीं पड़ेगा। और बल्कि एक्सयूवी को भी लॉन्च नहीं कर रहा, स्कॉर्पियो भी लॉन्च नहीं कर रहा, दोनों गाड़ियां बराबर उठ रही हैं। और बाद में देखो गियर का फर्क पड़ा, उसकी वजह से एक्सयूवी ने पकड़ा और बहुत बेहतरीन पकड़ा, इतना तो मैं कह रहा हूँ। चलते भाई तीसरा राउंड करते हैं, अब की बार दोनों गाड़ियों में हम दो दो जने हैं, लॉन्च में भी थोड़ा ढंग से लेने की कोशिश करूंगा। और करो भाई सेकंड राउंड। भाई एसी कर दिया है ऑफ, ईएसपी कर देता हूँ ऑफ, गाड़ी कर दी है स्टार्ट, बैट लगा दिया है ऑन। चलो भाई मैं लूंगा 2.5 पे लॉन्च लूंगा अपनी एक्सयूवी का। मेरे को और राउंड करने हैं, मुझे नहीं भाई देख के लग तो नहीं रहा कि स्कॉर्पियो जीत पाएगी, पर फिर भी भाई एक बार देखते हैं। अब की बार चलो मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है, यहाँ से हम रेस शुरू कर रहे हैं वहां तक की। और अब ये कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी जल्दी उठा ली होगी भाई, ठीक है थोड़ी सी 20 सेकंड का फर्क आ गया। फोर्थ राउंड स्टार्ट करना है, देखते हैं इस बार है ना। बाकी आप पहले लॉन्च हो गई भाई, बेशक चलो कह लिया पहले लॉन्च हो गई आपकी, आपकी में परफॉर्मेंस अपग्रेड हो रखा है, मेरी 2.5 लाख चली हुई है, उसके बाद बताओ। हाँ भाई उसके बाद तो रिजल्ट आपकी है, मैंने पहले ही कह दिया था, पर अब देखते हैं भाई फोर्थ राउंड करके भाई कर देगा 1-2-3। ठीक है 1-2-3 कर ले भाई। तो भाई आखिरी राउंड पकड़ना यार, फाइनल राउंड फोर्थ राउंड। एक, दो, तीन। टक्कर ले एक्सयूवी आगे 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 जी, एक्सयूवी आगे आगे आगे। भाई थर्ड गियर तो मजबूत है इसका बहुत, थर्ड गियर भाई मेरे चैनल पे आपने कभी वीडियो नहीं देखी होगी, मैं इसका थर्ड गियर बोलता हूँ, हनुमान गियर। और हालांकि यूं मत कहना कि मैं लॉन्च बहुत ले रहा हूँ भाई, 2,000-2,500 रुपए लॉन्च ले रहा हूँ मैं, यानी नॉर्मल आदमी जैसे गाड़ी उठाते वो वाला लॉन्च है बस। हाँ जी भाई क्या रहा, देख लो आपके सामने क्या रहा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, 3 पे ले लो एक और, चलो एक और लेना है। नहीं नहीं भाई एक और नहीं, 4 राउंड हो गए भाई। पहली लॉन्च कर दी भाई ने, वहां से ठीक था लॉन्च, वहां से ठीक था रेस करी भाई, उतने भी जीतता हूँ मैं। हाँ। ठीक है चीटिंग मत बोल। चलो कोई नहीं भाई, दोनों गाड़ी अपनी, भाई दोनों अपनी है, दोनों एक घर की गाड़ी। पर भाई ये भाई इतने किलोमीटर चलने के बाद एक्सयूवी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, मैं रिव्यू डालूंगा भाई आपकी गाड़ी, लेना जरूरी है। तो भाई 4 राउंड करे अपनी एक्सयूवी के स्कॉर्पियो के, एक भी राउंड में स्कॉर्पियो को नहीं जाने दिए, एक में स्कॉर्पियो ने लॉन्च ठीक ली लिया, उसमें फर्क बताऊं क्या रहा, स्कॉर्पियो जो है उसका गियर मतलब गियर शिफ्टिंग में परेशानी हो गई थी, पर बाद में भी हमने राउंड करे और उसमें क्या परिणाम निकला कि भाई अपनी एक्सयूवी मैं कह रहा हूँ एस 11 नहीं छोड़ी, जिसका परफॉर्मेंस अपग्रेड हो रखा, पता नहीं क्या फर्क है मेरी एक्सयूवी में, क्या हो रखा है, माता रखे क्या पिता रखे समझ नहीं आता। तो भाई यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। और भाई बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मेरे को पक्का लग रहा था कि स्कॉर्पियो निकलेगी, क्योंकि यार एक तो एस 11 वैसे ही तगड़ी है, ऊपर से और तगड़ी कर रखी है। तो मिलता है भाई अगली वीडियो में, और अपनी एक्सयूवी को प्यार देते रहिए भाई, ये गाड़ी में नहीं बेचने वाला, डरो मत मैं ना बेचूं इसको, आज के बाद और प्यार बढ़ गया मेरा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो, ऐसी ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। इंस्टा की आईडी डालता हूं जाके फॉलो करो, रियान भाई को तो सब जानते हैं मैं तो। तो भाई मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।